अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लीलीज कुक बुक। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं क्या रेसिपी लेकर आई हूँ, आज मैं बड़ी जबरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। थंबनेल से तो आपको पता चल ही जाता है कि मैं आज क्या करने वाली हूँ, बट डिटेल जो है वो आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ कलेजी। तो कलेजी जो है वो मैं मटन कलेजी, बकरे की कलेजी जो है वो मैं बनाने जा रही हूँ। मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे कि हमें ट्राइड एंड टेस्टेड जो है वो ऐसी रेसिपी बताएं जिसमें कलेजी जो है वो बहुत सॉफ्ट बने। मैंने बहुत सी रेसिपीज मैं भी देख चुकी हूँ यूट्यूब पे कि कलेजी को इस तरह से नरम बनाएं तो उस तरह से मुलायम बनाएं, लेकिन वो खास टिप जो कलेजी को सॉफ्ट बनाने की है वो अभी तक मैंने किसी वीडियो में नहीं देखी, और वही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। 5 मिनट में कलेजी बनेगी, इतनी सॉफ्ट कलेजी होगी, इतने मजे की कलेजी होगी, ना कोई स्मेल होगी उसमें, ना कोई सख्ती होगी उसमें, और बहुत मजे की, बहुत टेस्टी, वेरी वेरी टेस्टी, वेरी लेस मसालों के साथ। और एक खास इंग्रेडिएंट जो आपने थंबनेल पे देख लिया जी, उसको मैंने किस तरह से शामिल करना है, कलेजी को नर्म और मुलायम बनाने की टिप्स बताऊंगी और उनको फॉलो करना है। तो आपकी कलेजी भी जो है, जी नहीं, आपके बकरे की कलेजी भी जो है वो बनेगी मलाई की तरह नरम, सॉफ्ट सॉफ्ट, मजेदार। तो चलते हैं क्विकली क्विकली अपनी क्विक रेसिपी की तरफ और बनाते हैं फटाफट नर्म और मुलायम कलेजी। तो यहाँ मैंने एक बकरे की कलेजी ले ली है और दिल और गुर्दे ले लिए हैं, और इसके साथ जो है उसमें मैंने 1/4 कप जो है सिरका डाल दिया है, सफ़ेद सिरका, और अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून डाल के और इसको मिक्स कर दिया है। 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और अदरक लहसुन का और विनेगर का जो है वो टेस्ट भी आ जाए। यहाँ पर मैंने लहसुन के छिलके ले लिए हैं। जब आप लहसुन छीलते हैं तो उसके छिलके जो है वो संभाल के रख लें, तो मैंने भी ये छिलके थोड़े से ले लिए हैं, और इसको मैं कॉफ़ी मेकर में डाल के पाउडर बना लूँगी। अब इसको छन्नी में डाल के छान लिया है, और छानने के बाद जो है वो इतने बहुत सारे छिलकों में से सिर्फ 1 टीस्पून पाउडर जो है वो निकला है। ये पाउडर जब मैं कलेजी में डालूंगी, चाहे वो मटन की कलेजी हो या बीफ की कलेजी हो, तो ये पाउडर जो है उसको बहुत सॉफ्ट बना देगा। तो ये है टिप नंबर 1 कलेजी को सुपर सॉफ्ट बनाने की। और इस पाउडर को मैं किस पॉइंट पर जो है वो ऐड करूंगी कलेजी में, तो उसके लिए तो अभी आपको वीडियो देखते ही रहना है। अब आ गई है 2nd टिप एंड वेरी स्पेशल टिप कलेजी को सुपर सॉफ्ट बनाने की। तो आपने पैन में जो है वो थोड़ा सा ऑयल डालना है, क्योंकि मैं तवा फ्राई या फिर पैन फ्राई जो है वो कलेजी बना रही हूँ, और बहुत गरम ऑयल में जो है इस कलेजी को डालना है, ठंडे ऑयल में बिल्कुल नहीं डालना, वरना कलेजी सख्त हो जाएगी। और अगर आप गर्मा गर्म ऑयल में डालेंगे तो कलेजी जो है वो बहुत सॉफ्ट बनेगी। इस तरह से कलेजी का मॉइस्चर जो है वो कलेजी के अंदर लॉक हो जाता है, जिससे कलेजी सुपर सॉफ्ट बनती है। अभी मैं आपको आवाज़ सुनवाती हूँ जब कलेजी को मैंने ऑयल में डाला, ताकि आपको पता चल जाए कि कलेजी को जो है कितने गर्म ऑयल में डालना है। तो जी, कलेजी को इतने ही गर्म ऑयल में डालना है ताकि इसका मॉइस्चर लॉक हो जाए, इससे कलेजी बहुत सॉफ्ट रहेगी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून। बस इस पॉइंट पर इतने ही मसाले डाल के हम इसको 1 मिनट के लिए भूनेंगे। जो मैं कलेजी बनाती हूँ वो टोटल जो उसका कुकिंग टाइम है वो 5 मिनट है। 5 मिनट से ज़्यादा जो है कलेजी को मैं नहीं पकाती। आप जितना कलेजी को पकाएंगे इसका मॉइस्चर अंदर से ड्राई होता जाएगा और कलेजी जो है वो सख्त होती जाएगी। तो अगर आपको सुपर सॉफ्ट कलेजी चाहिए तो कलेजी का कुकिंग टाइम जो है वो बहुत कम होगा। तो मैं जब कलेजी बनाती हूँ तो मेरा टोटल कुकिंग टाइम जो है वो 5 to 6 मिनट होता है। ऑलमोस्ट 1.5 मिनट भुनने के बाद जो है वो मैं अब 2 से 3 हरी मिर्चें जो है वो काट के इसमें डाल रही हूँ, और इसके साथ साथ इसको फिर थोड़ा सा मैं 1/2 मिनट के लिए भूनूंगी। और यहाँ पे टिप नंबर 3 दूंगी जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना। मैं कलेजी में पानी बिल्कुल नहीं डालती, ये अपने ही पानी में गल जाती है। 1/2 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून पेपरिका डाल रही हूँ, और ये पेपरिका जो है वो हॉट पेपरिका नहीं है, स्वीट पेपरिका है। और बस इसको फिर मैं जो है 1/2 मिनट के लिए भून लूंगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और बहुत अच्छा सा जो है इसका कलर निकल आए। 1/2 मिनट भूनने के बाद जो है अब इसमें मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, ताकि ये चटपटी और बड़े मजे की जो है टैंगी सी बने। कलेजी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। लहसुन के छिलकों का जो पाउडर बनाया था वो पाउडर 1 टीस्पून वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक पाउडर, जी जिंजर पाउडर जो होता है, ये ड्राई जिंजर पाउडर या सौंठ का पाउडर वो ऐड किया है, और साथ में सॉल्ट। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट टिप जो है वो यही है कि सॉल्ट जो है जब ये बिल्कुल रेडी हो जाए कलेजी, आपको 2 से 3 मिनट जो है इसको भूनना हो लास्ट में, तो तब आप सॉल्ट ऐड करें और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। और खानों में जो सॉल्ट है वो हमेशा एज टू टेस्ट ही आपको ऐड करना होता है। तो बस जी, कलेजी हो गई है रेडी। टोटल 5 मिनट लगे हैं। लास्ट में आप हरा धनिया और हरी मिर्च जो है वो डाल के और इसको गार्निश कर दें। इतनी खूबसूरत सी, इतने मज़े की कलेजी जो है वो रेडी हो गई है।
सुपर सॉफ्ट कलेजी है जो कि उस तक बनेगी जब आप सारी बताई हुई टिप्स को जो है फॉलो करेंगे। तो 3 सेकंड में सारी टिप्स बता देती हूँ। कलेजी को गर्म गर्म ऑयल में डालना है। टिप नंबर 2, लहसुन के छिलकों का पाउडर बना लें, वो ऐड करना है। नंबर 3, कलेजी में पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। और नंबर 4, सॉल्ट को बिल्कुल लास्ट मिनट में ऐड करना है। कलेजी हो गई है रेडी, और बस मैं अब इसको डिश आउट कर रही हूँ। ना सिर्फ फूड टेस्ट करके बताऊंगी बल्कि मैं आज अपने फैमिली मेंबर से, ना सिर्फ फूड टेस्ट करके बताऊंगी बल्कि मैं आज अपने फैमिली मेंबर से भी कहूंगी वो टेस्ट करके बताए नहीं या सॉफ्ट बन गया या नहीं, कि ये कलेजी मजे की बनी है या नहीं या सॉफ्ट बनी है या नहीं। तो ये जनाब जा रही है प्लेट में। तो ये मैंने कर दिया इसको डिश आउट। तो जी जा रही हूँ मैं ट्राई करवाने और देखते हैं क्या कहते हैं सब। ये आ गई है और ये ट्राई कर रहे हैं। बताओ मुझे कि सॉफ्ट बनी है, मजे की बनी है, कैसी है? तो भाई आज मैंने कलेजी सॉफ्ट बनाने का जो है वो रेसिपी बता रही हूँ अपने व्यूअर्स को। सही है ना? सख्त तो नहीं है ना बना, जैसे बहुत सख्त होती है। आप लोगों को देखो प्रूफ दे दिया मैंने कि इट्स वेरी सॉफ्ट। ये है प्लेट और यहाँ बैठे हैं खाने वाले और सब जो है एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं सबको और ट्राई करवा दूँ, फिर उसके बाद जो है मैं तुम देती हूँ तुम लोगों को। अच्छा, अब एक और रूम में आ गई हूँ। बताएं, ट्राई करके बताएं कि कलेजी कैसी है। डिलीशियस, सॉफ्ट एंड टेस्टी। थैंक यू। तो ये जी अब लास्ट ट्राई है, ये ट्राई करके दिखाओ सॉफ्ट है, ये बताओ। अच्छी स्मेल भी नहीं है इसमें। बस एक और प्रूफ मिल गया कि स्मेल भी नहीं है। तो कलेजी जो है वो ट्राई भी हो गई और टेस्टेड भी हो गई। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हाँ, मेरी ईद के मजे मजे के दावत ब्लॉग्स जो है वो जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।